नाश्ते का मूड बना तो हम पहुंच गए हैं करतारपुरा फूड स्ट्रीट, जहां मिलते हैं नस्ली नाश्ते। और हमने ट्राई किए हाफिज के स्पेशल खोए वाले मटन चने, जिसे खाने के लिए लोग जेहलम से भी आए हुए हैं। यार ये चने खाने आए हैं, जेहलम से आए हम स्पेशल। जेहलम से आए हो चने खाने? ये सारे कजन है पिंडी के मेरे, ये सारे बॉयज जितने भी बॉयज बैठे हैं सब जेहलम से आए हैं या सिर्फ आप जेहलम से आए हैं? सिर्फ जेहलम से आए हैं, कहते हैं आपको स्पेशल चने। मैं कहता हूँ ये आ गया, स्वाद आ गया। यहाँ लोग बहुत दूर दूर से शहरों से आते हैं ना, यहाँ नाश्ते में हर चीज़ मिलती है। चने हैं, कोफ्ते हैं, अंडे हैं, निहारी है, पाए हैं। जी तो पीछे आपको रश नजर आ रहा होगा, ये है रावलपिंडी की करतारपुरा फूड स्ट्रीट, जहाँ पर संडे के दिन बहुत रश लगा रहता है। और हमें लेकर आया है ये लौंडा जो है हमारा, ये लड़का ले गया है। क्या हाल है भाई, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। दादा तो अपने चैनल का नाम बताओ। जी मेरे चैनल का नाम है रेहान मेक व्लॉग, और चैनल को जाके सब्सक्राइब करें और जो आपको रेहान बेग के चैनल पर जाकर नज़र आता है ना, सब्सक्राइब फॉलो लाइक वो सब कर देना। ये लड़का भी मेहनत कर रहा है और पिंडी में हमें ये कंपनी भी कर रहे हैं और हमें बहुत अच्छा नाश्ता करा के लाए हैं। थोड़ा सा अगर आप यहाँ पर दिखाओगे तो भाई देखिए, यहाँ पर आपको ये नाश्ता वगैरह नज़र आ रहा है और सुहेल भाई हमारे खड़े में आपको बैठने की जगह भी नहीं है। तो अभी हमारे पास भी बैठने की जगह नहीं है, तो हमारे साथ ये भाई भी हमारे आए हुए हैं, तो अभी इनके साथ भी बातचीत करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको थोड़ा दिखा दूं कि भाई देखें, यहाँ पर ये कोफ्ते रखे हुए हैं, ये चने, और ये देखें ये भाई कटोरियाँ बनी हुई है चने की जबरदस्त। और माशाल्लाह रश का रश जो है वो लगा रहता है, तो आप ज़रा इनसे थोड़ी सी बातचीत भी करेंगे और साथ में अपने लिए भी बनाएंगे। भाई देखें ये बनता जा रहा है। भाई वालेकुम भाईजान, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम सलाम। तो सबसे पहले ज़रा यहाँ की लोकेशन सब जाते सुहेल भाई। ये रावलपिंडी है, ये अपना बनी चौक के साथ करतारपुरा फूड स्ट्रीट है। यहाँ खाने पीने की ना मतलब आम दिनों में ये चलती रहती है, रमजान शरीफ में भी चलती रहती है, तो ये पिंडी में काफ़ी मशहूर है जगह। यहाँ लोग बहुत दूर दूर से शहरों से आते हैं ना, यहाँ नाश्ते में हर चीज़ मिलती है। चने हैं, कोफ्ते हैं, अंडे हैं, निहारी है, पाए हैं, नान वगैरह, पराठे वगैरह सब कुछ मिलता है। तो वैसे ही करतारपुर फूड स्ट्रीट कहलाती है ये? हाँ, करतारपुरा फूड स्ट्रीट, ठीक है। अच्छा, हमारे पास ये जो खोए वाले चने, इसका क्या था, इसका जरा राज बताएं, कितने पुराने हैं ये, क्या सिस्टम है इसका? काफ़ी लाहौर से चला हुआ ना ट्रेंड, तो वे फिर लाहौर से ये आए थे, उनसे हमने सीखे। इसमें दूध वगैरह डलता है, खोया वगैरह वो फिर डालते हैं। अच्छा, खोया वगैरह भी डलता है? ये वो ऐसे खाएंगे ना जैसे नरम नरम मुलायम खोए की तरह होते हैं ये। हाँ, खोए की तरह होते हैं। हाँ, ये बात। तो फिर ये अच्छा, और ये कितना शॉप को मतलब माशाल्लाह कितना टाइम हो गया? काफी टाइम, 15 साल से ज्यादा। अच्छा, 15 साल से ज्यादा हो गया। तो यहाँ पे इतवार को वैसे ज्यादा रश होता है या फिर वैसे भी? नहीं, छुट्टी में ज्यादा होता है। छुट्टी के दिन आज जैसे सारा हाउसफुल हुआ हुआ है, बैठने की जगह नहीं है, तो जरा बनाए फिर एक हमारे लिए भी जरा खोए वाले, या कौन से क्या बना, ये कितने वाले बन रहे हैं हमारे? ये जो आप कहेंगे इधर ही खाएंगे, लेकिन हम तो इधर ही खाएंगे ना, हम इधर ही खाएंगे, इधर ही रिव्यू करेंगे। भाई तो क्या खा रहे हो, ये छोले वगैरह मिलते हैं यहाँ पर? सारे चने खाने आए हैं, जेहलम से आए हम स्पेशल। जेहलम से आए हो चने खाने? ये सारे कजन है पिंडी के मेरे, ये सारे बॉयज जितने भी बॉयज बैठे हैं सब जेहलम से आए हैं या सिर्फ आप जेहलम से आए? सिर्फ जेहलम से आए, कहते हैं आपको स्पेशल चने। मैं कहता हूँ ये आ गया, स्वाद आ गया, स्वाद आ गया। अच्छा, और राजा जी का क्या सीन है यहाँ पे? राजा जी के दिन को सीन पता है, मैं तो गेहूं का पिंडी सा बना हूं। अरे नहीं, चने मजे के पिंडी के। अरे चने, चने तो मजे के हैं ना, मैं कहता हूं मजा आ गया, खाए तो मजा आएगा, लोग आएंगे मजा आएगा, मैं कहता हूं बहुत एंजॉय कर। चलो जबरदस्त, एक चने और पहले ला से। अच्छा भाई, तो रश बहुत ज्यादा है, तो ये देखिए भाई, बड़े बड़े शोरवे लाए हैं, हमारा बना रहे हैं भाई ये, आप देख सकते हो कोफ्ता डाल दिया है, चने भी ऐड हो गए, अंडा भी ऐड हो गया। अच्छा, पूरा प्याला सा है भाई ये, ये देखिए भाई हमारा ये थाल भी लेके जा रहे हैं, जबरदस्त थाल तैयार हुआ है। ये देखिए भाई स्पेशल नान से खाएंगे चमची? हाँ जी, नान से खाएंगे भाई। तो ये देखिए भाई, ये हमारा बन के आ गया है, और ये थोड़ी सी ग्रेवी भी ऐड हो गई। अब ये खाते हैं नान के साथ और फिर आपको रिव्यू करके बताते हैं। अच्छा भाई रेहान, तो खाना हमारा आ चुका है, ये क्या क्या है यार इसमें? अंडा है, कोफ्ता है, मुझे तो लग रहा है ये चने और पाए हैं मेरे ख्याल से, इस तरह मुझे लग रहा है। हां, उस तरह का लुक है या अंडा है? नहीं, ऐसा ही। और अभी हम ट्राई करते हैं और
देखते हैं कैसा है। बिल्कुल यहाँ तुमने खाए हुए यहाँ के या नहीं खाए हुए? नहीं यार इतने कभी नहीं ट्राई किया, यहाँ का नहीं ट्राई किया भाई। ये जरा पहले तो दिखा दूँ, ये देखिए भाई ये कोफ्ता, ये अंडा भाई, ये कोफ्ते और साथ में ये छोले, ये देखिए ना ये छोले, ये छोले बिस्मिल्लाह करो, छोले के साथ बिस्मिल्लाह। छोले तो अच्छे मजे के लग रहे हैं। अभी जो छोले ट्राई किए जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, मिर्चें नहीं है, भरपूर अच्छे हैं और भरपूर और भरपूर रश लगा हुआ है। बड़ी मुश्किल से हमें भी चेयर भी बड़ी मुश्किल से मिली है अभी, बहुत ज़्यादा तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं। नहीं नहीं अच्छे हैं, नहीं मज़े के हैं। देखो अब असल जो कॉम्बिनेशन है ना, देखो मैं अभी बताता हूँ तुम्हें क्या करना है। ये देखो ये लिया आपने कोफ्ता, ये देखिए भाई ये आपका कोफ्ता, ये कोफ्ता भी है और साथ में अंडा भी है, लेकिन आप कोफ्ते और चने के साथ ट्राई करते हैं। कोफ्ते चने और अंडा, वाह। अच्छा वो पंजाब के होते ना चिक्कड़ छोले, छोलों वाला सही मजा आ रहा है। ऐसे छोले आपको कराची में बहुत कम मिलते हैं, मजे के यार सीरियस। लेकिन अब एक फाइनल बाइट बनती है अंडे के साथ ना। ये देखो अंडा, ये हमने ले लिया अंडा, ये हो गए छोले और ये लिया हमने कोफ्ता। ओह मजा क्या भाई, तीनों का कॉम्बिनेशन बनाओ और मज़ा आएगा। ये हो गया अंडा। लेकिन पर्सनली अगर मैं बताऊं तो मुझे कोफ्ते और चने का एक कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा लगा। सादे चने भी खाओगे, सादे चने भी इनके माशाल्लाह बड़े जबरदस्त। तो रियान भाई बड़ी अच्छी जगह पर आप लेकर आए, आपसे शुक्रिया। हालांकि आपने भी खाया हुआ नहीं था, आपने भी सुना हुआ था यहाँ के बारे में, लेकिन ये कि भाई जान जगह बड़ी फिट लेकर आया है। तो इंशाल्लाह ये करतारपुर लाहौर, इसे लाहौर भी जाना जाता है, लाहौर लाहौर भी कहा जाता है इसको। और बड़ा इजी रोड है ये, मतलब ये कहते हैं कि रमजान में तो बड़ा रश होता है, रमजान में काफी रश, रमजान में तो बड़ा रश होता है। और जैसे हमारा सदर वाली साइड पर इस तरह की कुर्सी से वहाँ पर बंसोड़ वगैरह पे, तो भाई इंशाल्लाह किसी और वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। अभी के लिए दे दिए मुझे और रियान को इजाज़त, और खास तौर पर रियान की चैनल को आपने लाज़मी सब्सक्राइब करना है। मेरे चैनल का नाम ही बता देना, ये तुम्ही ने बताना है ना। मेरे चैनल का जी नाम है रेहान बेग व्लॉग, जा भी सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट भी अच्छे से करें और इन भाई को जितना आ सके और सपोर्ट करें। करो करो भाई, लड़का मेहनत कर रहा है और अच्छी जगह पे लाया, मेरा दिल खुश हुआ है। इंशाल्लाह मैं रियान के साथ और भी दो से तीन जगहों पे जाने वाला हूँ, तो वो वीडियोस आपको अभी आगे देखने को और भी जाएंगे, और भी जगह आपको मिलेंगी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।